कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार के ताजा निर्देशों की सूचना आम लोगों तक न पहुंचने के कारण ऊपरी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। किन्नौर प्रवेश सीमा से आगे किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजदूर तबके के लोगों को वापस घर जाना और दो वक्त की रोटी की समस्या हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार के ताजा निर्देशों की सूचना आम लोगों तक न पहुंचने के कारण ऊपरी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। किन्नौर प्रवेश सीमा से आगे किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजदूर तबके के लोगों को वापस घर जाना और दो वक्त की रोटी की समस्या हो गई है। काम के लिए घरों से किराए का बंदोबस्त कर किन्नौर जाने वाले लोग किन्नौर प्रवेश सीमा में उतारे जाने के बाद वापस कैसे जाएं संकट में पड़ गए हैं। बाहरी राज्यों के कई गरीब किन्नौर सीमा से पैदल वापस होने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि पहले इस बात की जानकारी ना तो उन्हें थी ना ही दी गई। अब यहां उतारा जा रहा है मजदूरों को भी काम न मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर नेपाली ना तो वापस जा पा रहे हैं और ना ही नेपाल से उनके साथी आ सकते हैं। किन्नौर प्रवेश द्वार पर चिकित्सकों की टीम हर व्यक्ति की गहनता से जांच कर रही है। बाहरी राज्यों से आने वालों को वापस भी भेजा जा रहा है। मोहम्मद शहीद ने बताया कि वे जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं और किन्नौर जा रहे थे, लेकिन किन्नौर बॉर्डर पर रोक दिया गया। वापस भेज रहे हैं हम, कैसे जाएं क्योंकि हमारे पास किराया भाड़ा कुछ भी नहीं है। देखो सर, बस यही हमारे को यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे। हम ये मेहनत मजदूरी करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, में एक वजीर के पास रहते हैं, पहले भी रहते हैं, आप बार नए नहीं जा रहे हैं। अभी ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से आप वापस चले जाओ, तो हमारे पास किराया भाड़ा कुछ नहीं जाने के लिए, कैसे जम्मू पहुँच सकते हैं। गोवा से आ रहे टिकंग ठाकुर ने बताया कि उनकी रामपुर तक कहीं भी जांच नहीं हुई। किसी ने नहीं बताया कि कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। वे ट्रेन से आए हैं। नहीं, हमारा कहीं भी नहीं हुआ। गोवा से कब चले? गोवा से जन्म 18 को चले। अच्छा, भाई ये रहे। किन्नौर प्रवेश द्वार चौरा में तैनात चिकित्सक अभिषेक ने बताया कि सवारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश है कि कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति या पर्यटन से जुड़े लोग किन्नौर प्रवेश द्वार से आगे न जा सके। हम लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वे घरों से बाहर न निकले और जहाँ है वहीं रहें। डिपार्टमेंट से किन्नौर के एंट्री पॉइंट चौरा चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमारी तैनाती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पे यहाँ टूरिस्ट एवं जो बाहर की स्टेट से जो व्यक्ति आए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए। और हम लोगों से ये मैसेज अपील करना चाहते हैं कि वो अपने घरों से ना निकले और टूरिज्म और एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दे और कृपया अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। परिवहन निगम के बस चालक ने बताया कि कोई भी बाहर से आदमी बस में आ रहा है तो उन्हें मशीन लगाकर सही तरीके से जांच होना चाहिए। जांच का सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इससे बीमारी फैल सकती है। मैं पिछले बार भी हरिद्वार स्नान रूट लेके आया था, जैसे हमारे मौके पे डॉक्टर साहब वगैरह आए हुए हैं, तो यहाँ पे जब मैं पिछले बार आया तो मौके पे यहाँ देखा गया कि आगे इन्होंने सिर्फ फोटो खींच के, लेकिन जो चीज़ ये मशीन है लगा के चेक करना चाहिए खुद, ताकि पता लग सके कि भाई हमारे को कोई मतलब पैसे बीच में बीमार तो नहीं है। तो इस तरीके का जो है तो कुछ लापरवाही देखी गई मेरे को।